आज मैं आपसे एक सर्दी की खास मिठाई पीनट चिक्की की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। पीनट चिक्की बनाने के लिए गैस पर पैन रखकर गैस ऑन कर लिए हैं और हमें चाहिए गुड़ और भुनी हुई और छिलका उतारी हुई मूंगफली चाहिए। तो देखिए, मैंने भुनी हुई मूंगफली लिए हैं, इसका छिलका उतरा हुआ है और मूंगफली को रोस्ट करने और छिलका उतारने की तरीका मैं अपने चैनल पर शेयर किए हुए हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। और यदि बाहर से छिलका उतरा हुआ मूंगफली ले रहे हैं तो उसे भी लो फ्लेम पर 2-3 मिनट रोस्ट कर लीजिएगा ताकि मूँगफली की चिक्की क्रिस्पी बने। और मूँगफली और गुड़ बराबर मात्रा में लेंगे और 1 चम्मच घी यूज करेंगे इसमें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चिक्की। तो सबसे पहले 1 चम्मच घी डालकर और घी को मेल्ट होने देंगे और घी मेल्ट होने के बाद इसमें डालेंगे शक्कर और शक्कर को अच्छी तरह से कूट ले तो और जल्दी मेल्ट हो जाएगा शक्कर। तो देखिए, मैंने थोड़ा छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लिए हैं और इसे चलाते हुए लो फ्लेम पर ही मेल्ट होने देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई नहीं करेंगे। तो पहले इसे मेल्ट कर लेते हैं। तो देखिए, अब गुड़ मेल्ट होने लगा है, पूरी तरह से अभी नहीं हुआ है। तो इस तरह से बीच बीच में तोड़ देंगे तो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। और चिक्की जमाने के लिए हम पहले से ही प्रिपेयर कर लेंगे, यानी जिस पर हम जमाएंगे उसे पहले ही घी से ग्रीस कर लेंगे। तो देखिए, अब ये मेल्ट हो चुका है। अब हम 1 मिनट और पका लेते हैं इसे, फिर चेक करेंगे। तो 1 मिनट हो चुका है, इसे हम 1-2 ड्रॉप पानी में डालकर और फिर चेक करेंगे। तो देखिए, इस तरह से 1-2 ड्रॉप इस तरह से डाल लेंगे और थोड़ी ठंडा होने देंगे, इसे चलाते रहेंगे। तो इसे इस तरह से हाथ से लेकर देखेंगे, एक घी खींच रहा है तो अभी नहीं हुआ है, टूटना चाहिए। तो और पकाते हैं 1-1.5 मिनट और फिर चेक करेंगे। तो 1-1.5 मिनट पका लिए हैं, देखिए अब पेन भी छोड़ने लगा है ये। फिर इसे चेक करते हैं और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है, हाई नहीं करेंगे। और फिर से 1-2 ड्रॉप रख कर और कुछ सेकंड के लिए ठंडा होने देंगे, फिर इसे चेक करेंगे और इसे चलाते रहे हैं। तो अब चेक करते हैं इसे, टूट रही है, यानी हमारी चाशनी तैयार है। हम गैस ऑफ कर देते हैं और फटाफट से ये मूंगफली डालकर मिला लेते हैं। और इस वक्त हम हाथ जल्दी जल्दी से चलाएंगे, नहीं तो ये मूंगफली की चिक्की इसी में सेट होने लगेगी। तो अब जिस चिक्की जमानी है उसमें फटाफट से ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो पहले से ही घी से ग्रीस कर लिए हैं ये बोर्ड को, तो अब इसमें ट्रांसफ़र करके और जल्दी जल्दी इसे फ्लाइट कर लेंगे। इस तरह से जल्दी जल्दी करके और एक पैचुला की सहायता से इसे शेप दे देंगे। तो इसे पैचुला से शेप दे दिए, अब हम बेलन से इसे बेलेंगे। तो पहले से ही घी लगा रखे हैं बेलन में, अब इसे इस तरह से बेल लेंगे, हल्के हाथों से बेलेंगे, बहुत जोर से नहीं बेलेंगे। चारों तरफ घुमा घुमा कर इसे बेल लेंगे। इस तरह बेलने से चिक्की शाइनिंग और एक्सर बनेगी। तो अब ये बेल चुकी है, अब हम कट लगा लेंगे इसमें। तो एक चाकू अथवा कोई कटर की सहायता से इसे काट लेंगे। देखिए, इस तरह से काट लेंगे जिस शेप में हमें चिक्की चाहिए। तो सारे काट लेते हैं। तो अब चिक्की को काट लिए हैं, अब हम इसे ठंडा होने के लिए करीब 1/2 घंटा छोड़ देते हैं, फिर निकाल लेंगे चिक्की को। तो देखिए, मैंने चिक्की को निकाल लिए हैं। और चिक्की निकालते समय शुरू में मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी तो आपको शुरू में नहीं दिखा पाई। और चिक्की को इस तरफ पीछे की तरफ प्रेस करेंगे चाकू अथवा कोई कटर से, तो इजीली निकल जाती है। तो आप सारे चिक्की निकाल लिए हैं और बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता चिक्की बनी है। इसके ऊपर बहुत ही अच्छी शाइन आई है, देखिए दोनों तरफ से ट्रांसपेरेंट है ये, देखिए।
अब इस चिक्की को एयरटाइट कंटेनर में भर कर रख लीजिए और 2-3 महीने तक इसे खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी मिठाई है ये, तो आप इसे जरूर बनाइए। इस तरह से आप चिक्की बनाइए, जिस तरह से मैंने बताए हैं सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए तो बहुत ही अच्छी चिक्की बनाएंगे आप। तो आप ये बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ।